वोट लेकर धोखा दिया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, जिसके साथ ना जाने की कसम खाई थी उसी से हाथ मिलाया। ना भैया ना, हम बिहारी हैं, हमें धोखा बर्दाश्त नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं अभय प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव फिर से सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं और उन्हें धोखेबाज बता दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी लालू यादव ने तंज कसते हुए पलटू राम के नाम से कई बार संबोधन में या फिर ट्वीट के जरिए नीतीश कुमार को बुलाते रहे हैं। और वहीं हमने आपको पहले दिखाया था किस तरीके से पलटू राम तक यह कुर्सी पहुंचा दो, इस तरीके का बयान जो है लालू प्रसाद यादव ने दिया था। इस बार सीधे तौर पर उनका निशाना सीएम नीतीश कुमार पर है और वो कह रहे हैं कि वो धोखेबाज हैं, बिहार के जनताओं को धोखा देने का काम किए हैं। वहीं दूसरी ओर वो लिखते हैं कि तय है इस बार तेजस्वी सरकार। आज सुबह में ही लालू प्रसाद यादव ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं और दिखाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, जिन्हें बिहारवासियों ने नकारा था, विपक्ष में बिठाया था, उन्हीं के साथ खिचड़ी पकाकर सरकार बना ली। ये लोकतंत्र और बिहार की जनता दोनों का अपमान है। बिहार धोखा नहीं सह सकती। # इस बार तेजस्वी तय है। वोट लेकर धोखा दिया, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया, जिसके साथ ना जाने की कसम खाई थी उसी से हाथ मिलाया। इतनी बेईमानी की हमारे साथ और अब भी सोचते हैं कि हम इस कुशासनी सरकार को वोट देंगे। ना भैया ना, हम बिहारी हैं, हमें धोखा बर्दाश्त नहीं। आपने देखा जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। वीडियो में एक व्यक्ति जिस तरीके से वो बोल रहा है कि जिसके साथ कसम खाई थी कि साथ नहीं जाएंगे और साथ फिर चल गए, तो एक तरह से बिहारवासियों को धोखा मिला है और बिहारवासी इसे नहीं भूलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। नमस्कार।